हाउ टू गेट मोर यील्ड, मशरूम की पैदावार कैसे बढ़ाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक खेती में ये रहता है कि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ देते हैं जिससे हमारा खेती बढ़ जाता है। मशरूम बड़ा सेंसिटिव है, पर अगर हम सही से जानते हैं कि क्या करने से खेत में उपज बढ़ेगी तो हम क्यों ना करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सब्सट्रेट प्रिपरेशन। अब जिस भी मशरूम की खेती कर रहे हैं उसका सब्सट्रेट का प्रिपरेशन मेथड बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए और आप बिल्कुल वैसे उसको बनाइए। अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर बटन मशरूम का कंपोस्ट जैसे बनाना है वैसे ही बनाइए, उसमें शॉर्टकट मत कीजिए, खुद का अलग से कुछ भी मत बनाइए, एक्सपेरिमेंट करना है बाद में कीजिए, वंस यू आर एन एक्सपीरियंस ग्रोअर। सिमिलरली ऑयस्टर मशरूम के लिए हम एग्जांपल के लिए कहते हैं पैडी स्ट्रॉ में बनाइए, व्हीट स्ट्रॉ में बढ़ाइए, है ना। आप सॉडस्ट में भी बना सकते हैं, बट द मोर यू डाइविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स द मोर देयर इज रिस्क ऑफ लो यील्ड। सो आप जितना अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड सब्सट्रेट इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। सेकेंडली प्रिपरेशन में आप सप्लीमेंट जितना अच्छा ऐड करेंगे उतना आपका पैदावार बढ़ेगा। सप्लीमेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट जस्ट जैसे हम ह्यूमन बींग्स अलग अलग गोलियां लेते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन और अलग अलग चीज़ों को बढ़ाने के लिए, सिमिलरली मशरूम की खेती में भी जो सब्सट्रेट है, जो भूसा है या जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बीट सॉडस्ट और एनीथिंग, सबसे पहले तो दैट हमें भी पता है वो कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कार्बन है या फिर कह सकते हैं शुगर का सोर्स है। अब जो सप्लीमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। मशरूम की जो खेती है उसमें सी और एन का रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम नाइट्रोजन को ऐड इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करेंगे अपने न्यूट्रिशन को सब्सट्रेट से, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो उसमें कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको नाइट्रोजन देने से वो ज़्यादा स्टिमुलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड सब्सट्रेट में सप्लीमेंट्स है वो है ब्रैन। ब्रैन क्या होता है? ब्रैन आपका राइस ब्रैन इस्तेमाल कर सकते हैं या व्हीट ब्रैन यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, स्पेंट माल्ट, सुगर बीट पल्प, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम जैसे जिप्सम या कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है चॉक पाउडर, ये चूना नहीं है चॉक पाउडर है। तो दीज आर यूज फॉर एडजस्टिंग द पीएच लेवल या फिर आप उसमें एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉटन सीड हल, कॉर्न स्टार्च, सोया मील, ये सब जो है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है जो कि ऐड किया जाता है। देखिए मैक्सिमम आप 20% ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो कंटेमिनेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली अगर आप न्यू ग्रोअर है तो आप मैक्सिमम 1% ऐड कीजिए, 10% भी नहीं, सिर्फ 1%, क्योंकि न्यू ग्रोअर्स हैं तो हमें ऑब्वियसली ऑटोक्लेविंग और ये सब मशीनरीज नहीं होते हैं नेचुरली। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो केमिकल मेथड यूज़ करते हैं या फिर सिंपल बॉयलिंग करते हैं जिसमें हम बहुत कम अमाउंट तक बॉयल करते हैं। तो ये सब रीजंस हैं, अगर हमारा सप्लीमेंट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो सब्सट्रेट है बहुत न्यूट्रिशनफुल हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और अलग अलग फंगी भी अटैक करना ज़्यादा चाहते हैं उस वक्त, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेस्टी हेल्दी खाना बन जाता है। द नॉट ओनली दैट्स फॉर गुड फॉर माइसीलियम, इट्स ऑल्सो गुड फॉर अदर कंटेमिनेंट्स। हेंस इफ आवर द जार और अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम हमारे सब्सट्रेट को पैस्चराइज और ऑटोग्लेविंग या स्टेरिलाइज करते हैं वो अगर अच्छा नहीं है तो आपको बहुत कम अमाउंट में सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है या फिर बिल्कुल ही नहीं करना है, रिस्क ही मत लीजिए। क्योंकि अच्छा पैदावार चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा तो और खर्चा करना पड़ेगा। एक तो आप इसको ऐड कर रहे हैं, ऊपर से आप कंटेमिनेशन तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑटोक्लेव है या फिर आपको सारे टेक्नोलॉजीज पता है जो आपने अगर ट्रेनिंग में सीखा है तो आप अपने सप्लीमेंट्स को डालिए। बट अगर आप न्यू है तो 1%, फिर धीरे धीरे 2%, धीरे धीरे अपने सप्लीमेंट्स को बढ़ाइए और नो डाउट आपका फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगा। अगर 1 किलो मशरूम आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है आपका 2 किलो मशरूम आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट्रोजन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। तो कैसे कैसे यील्ड बढ़ाए, एक तो हो गया देखिए सप्लीमेंटेशन, सेकेंड हो गया प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन अच्छा होगा तो आपका फ्रूटिंग आएगा और ज़्यादा आएगा। क्यों? अदरवाइज़ क्या होता है, मशरूम के बैग्स में लेटर स्टेज में, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं हुआ था तो बाकी के पैथोजन रह गए हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। तो आपके मशरूम बैग में एक तरफ ग्रीन मोल्ड भी जिंदा है, एक तरफ ब्लैक मोल्ड भी है, एक तरफ बैक्टीरिया आ गया है, पूरा माइसिलियम मर गया, आधे बैग में माइसिलियम बचा है, वही से मशरूम आ रहा है। तो अगर स्टेरिलाइजेशन अच्छा कर देंगे तो नेचुरली आपका जो है फ्रूटिंग बढ़ जाएगा। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम जो है दे आर वेरी कह सकते हैं सेंसिटिव टूवर्ड्स दी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप एक मशरूम फार्म है और बाजू में वहाँ पे ड्रेन है जहाँ पे बहुत ही गंदा सीवेज का पानी जाता है, उस नाले से स्मेल आता है, आप देखिएगा आपके मशरूम निकल ही नहीं रहे हैं। और वही अगर एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है तो मशरूम एकदम अच्छे से निकलेगा, क्योंकि वो गंदगी नहीं है,
दे आर ऑल्सो अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, अलग अलग मोल्ड्स, तो वो सब उनका घर है. तो हाइजीन कंडीशन तो ज़रूरी है. अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे इनसाइड योर फार्म एंड आउटसाइड योर फार्म इन योर सराउंडिंग, तो फिर आपका प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना. मैंने कई बार फार्म विजिट पे देखा कि डॉग ही घुस गए अंदर व्हील, वहाँ पे पॉटी कर रहे हैं, एकदम गंदी हालत है. लोग कीचड़ चप्पल लेके ही फार्म में घुसते हैं, उसी हाथ से सब कुछ छू रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस सब बैठा हुआ है वहीं पे, मक्खियाँ भिनभिना रही है, एक ग्रीन बोल्ड है उस बैग को वहीं पे सड़ा रहे हैं वो लोग. तो क्या होगा, आपका मशरूम कहाँ से अच्छा निकलेगा. थोड़ा मेहनत कीजिए हाइजीन पे, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा. एक और जो स्टेप है जो कि आपके यील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स द स्पॉन सिलेक्शन एंड क्वालिटी. आपने सही समय पे सही सीजन का स्पॉन सिलेक्ट करना है. आप गर्मी में आ रहे हैं अगर इसका बिस्पोरस कर लें, या फिर आपने विंटर वेराइटी का ऑस्टर मशरूम का स्पॉन यूज़ कर रहे हैं गर्मी में, आपको उसको फ्लोरिडा करना है, पिंक करना है, तरह तरह के जो समर स्ट्रेन के ऑस्टर मशरूम्स है वो इस्तेमाल करने हैं. और जो स्पॉन है अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका अच्छा प्रोडक्शन आएगा. गलत समय पे अनसीजन का स्पॉन इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपका यील्ड कम होगा या फिर नहीं होगा. क्वालिटी ऑफ स्पॉन इज़ अनदर बिग फैक्टर. देखिए, स्पॉन आपका जीवन होना चाहिए. जीवन मतलब इट शुड बी अ वेरी ग्रेट क्वालिटी. इट शुड बी मेड ऑफ द कल्चर विच इज़ वेरी विगरियस, प्रेफरेबली फ्रॉम लिक्विड कल्चर, या फिर एकदम आपका नया ये एकदम टिश्यू कल्चर से तैयार हुआ है, और जिसको क्वालिटी टेस्टिंग होता है रेगुलरली. वो लोग अपना स्ट्रेन बदलते हैं, कंटिन्यूसली फ्रूटिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी संस्था है. तो क्वालिटी ऑफ स्पॉन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक स्पॉन को काट के और 10-20 स्पॉन और बना दिया, और 10-20 से और 50-100 बना दिया, वो मैं अभी सिखा सकता हूँ आपको, आप तुरंत कर सकते हैं. होगा ये कि आपके मशरूम्स इतने कम निकलेंगे कि फिर आपको इवेंचुअली लॉस होगा. तो कंजूसी करना है तो सस्ता स्पॉन के चक्कर में, या फिर इस तरह के G2, G3 वाले स्पॉन इस्तेमाल करने तो करिए. वहाँ पे आपको इवेंचुअली लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन का रेट बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन बहुत कम आएगा. तो स्पॉन की क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए. स्पॉन में अगर आपका कंटेमिनेशन है तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्म डिज़ाइन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आप हमारे YouTube वीडियो में लगातार जो मैं फार्म डिज़ाइन के ऊपर वीडियोस देता हूँ, आप समय समय पे देखिए किस तरह जो है फार्म बनाया जाए जो कि इंसुलेटेड रहे, जिसमें अंदर किस तरह से हम मैनेज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाएँ, और बाहर का टेम्परेचर जो अंदर का टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस ना कर पाए. तो ये फार्म डिज़ाइन का जो प्लेलिस्ट है आप YouTube वीडियो में हमारा देखिए, उसमें आपको काफ़ी सारा आइडिया लगेगा कैसे फार्म डिज़ाइन करना है. फार्म पैरामीटर्स मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने टेम्परेचर सही मेंटेन नहीं किया है, ह्यूमिडिटी सही मेंटेन नहीं किया है, तो आपका मशरूम सूख जाएगा, जो पिनहेड्स आपके आते आते ही रह जाएंगे. तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा. तो प्रोडक्शन सही रखने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैरामीटर्स को सही मैनेज करें. कैसे करना है, स्प्रिंकलर लगाना है, एयर कंडीशनर लगाना है, कैसा लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सब हम कंटिन्यूसली ये फार्म मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा. आप यूट्यूब वीडियो हमारा देखते रहिए, बीएम मशरूम चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वेबसाइट को कंटिन्यूस विजिट कीजिए, और हमारी कम्युनिटी को ऐड कीजिए. आपको मैं कंटिन्यूसली नॉलेज देता रहूँगा. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. मॉइस्चर इनसाइड द सब्सट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए, जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर होना चाहिए एक फ्रूटिंग बैग में, वो होना चाहिए 55-60%. ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है तो माइसिलियम मर जाएगा, आएगा ही नहीं, स्पॉन जैसा का तैसा वैसा ही धरा रह जाएगा, फैलेगा ही नहीं. कम हो गया तो फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा, इवेंचुअली मशरूम्स कम आएंगे. क्योंकि मशरूम में होता क्या है, 80-90% पानी रहता है. तो जो मॉइस्चर इनसाइड द सब्सट्रेट है, अगर ये सही नहीं रहेगा तो भी यील्ड कम आता है. तो यील्ड बढ़ाने का तरीका यह है कि मॉइस्चर सही मेंटेन करें. सेकेंडली, जो सेकेंड और थर्ड फ्लशिंग आता है उसके बाद पानी थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा. आपको अपने फ्रूटिंग बैग्स में थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर अगर नमी कम है तो वो आपको बरकरार रहे. इनफैक्ट तीसरे के बाद तो आप अपने फ्रूटिंग बैग्स को पानी के अंदर भी डाल सकते हैं 20-30 मिनट के लिए, ताकि वो पानी अब्जॉर्ब करे. उसके बाद फिर उसको वापस टांग दीजिए, मशरूम फिर निकलने लग जाएगा. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर मशरूम के बैग्स में अगर मॉइस्चर ही नहीं है तो पानी ही नहीं है तो फ्रूटिंग कहाँ से आएगा, मशरूम में पानी ही कहाँ से आएगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यील्ड को इम्पैक्ट करता है, दैट्स द राइट टाइम टू हार्वेस्ट. अगर मशरूम का बैग पूरी तरह से माइसिलियम फैल चुका है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया है, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर मशरूम की बात कर लेते हैं,
आपका मान लीजिए 20 डेज हो गया है, आपका बैग पूरी तरह से वाइट हो गया है। अब आपने अपना क्लाइमेट चेंज नहीं किया, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं इंड्यूस किया, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ाया फार्म में, पानी का स्प्रे नहीं शुरू किया, तो क्या होगा ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ होता ही रहेगा। जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा पेट भर गया और मैंने और ओवर ईटिंग करी, अगर मैं ज़िंदा बच गया उसके बाद, तो क्या होगा, मेरा शरीर में फैट जमने लग जाएगा, मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएंगे, एंड आई विल स्टार्ट बिकमिंग वीक। तो किसी चीज़ को ज़्यादा कर लेने से और अच्छा नहीं होता है, उसका सही समय पे करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे ही मशरूम की फ्रूटिंग बैग्स में जब ज़्यादा माइसिलियम फैल जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है कि या तो उसको फ्रूटिंग का टाइम आ गया है, पर अगर आपने उसको फ्रूटिंग वाले स्टेज नहीं दिए, उसको शॉक नहीं दिया है। देखिए, मशरूम की फ्रूटिंग नेचुरल स्टिमुलेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक शॉक, कोल्ड शॉक, वेरिएशन इन टेम्परेचर, एक्सेस ह्यूमिडिटी, ये सबसे आता है। अगर आप सही समय पर अगर आप उसको राइट टाइम टू हार्वेस्ट उसको आपका नहीं पता है और आपने उस पर लेट कर दिया, तो क्या होगा, माइसिलियम की परत धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाएगी, मरने लगेगी, और उसमें एक ऐसा लेयर बन जाएगा जो कि फिर मशरूम को निकलने ही नहीं देगा। तो इसलिए सही समय पे आपको अपने बैग्स को ऑब्जर्व करना है। अगर जैसे ही आपने देखा कि हो गया है, अभी लेट नहीं करना है, तुरंत उसको ठंडा टेम्परेचर दीजिए, जो भी करना पड़ता है उस मशरूम के लिए वैसा कीजिए। तो लेट नहीं करना है, इसमें आलस नहीं करना है। 20 दिन का मशरूम है, 30 दिन लगा दिया आपने, तो वो 10 दिन में ही मशरूम के बैग्स में इस तरह के स्टार्च बन जाएंगे, इस तरह का एक परत जम जाएगा जो कि उसको एकदम बना देगा निठल्ला। उसने बहुत सारा खाना तो खा लिया है, माइसिलियम ने सारा प्रोटीन एकदम जमा करके रखा है शुगर शरीर में, पर वो फ्रूटिंग नहीं निकालेगा। इसलिए भी कई बार ऐसा होता है कि मशरूम के बैग्स जब बहुत वाइट हो जाते हैं और मशरूम निकल ही नहीं रहे, तो वहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जैसे उनको मारा जाता है, उनको पानी में डाल दिया जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, साउंड पोल्यूशन बढ़ाया जाता है, कई बार पटाखे भी फोड़े जाते हैं फार्म में। वो सारे रीज़न इसलिए हैं क्योंकि नेचर में, क्लाइमेट में देखिएगा, जब बरसात आती है और बिजली चमकता है तो मशरूम एकदम निकलने लग जाते हैं सकपकाते हुए। एक्चुअली ऐसा नहीं है मशरूम तभी आए हैं, माइसिलियम तो बहुत दिन से था अंडरग्राउंड में। जब इस तरह क्लाइमेट आता है, बारिश आती है, तो नमी वमी हो जाती है, और तुरंत तुरंत इतना जब होता है तो मशरूम को क्या लगता है, माइसिलियम को लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब चलो बच्चे निकाल लेते हैं, मशरूम निकाल लेते हैं, और फैल जाते हैं और अपने स्पोरों को डिस्बर्स कर देते हैं, ताकि हमारे फर्दर जनरेशन तो हमें बचा के रख सके। तो मशरूम जो है इस तरह चुपचाप अगर उनको एकदम आसानी से एकदम ऐश करवाओगे तो मशरूम नहीं निकलेगा, माइसिलियम सिर्फ बढ़ता रहेगा। तो उसको सही समय पे शॉक देना, सही समय पे स्टिमुलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सही समय पे स्टिमुलेशन कर करके कई सारे मल्टीपल फ्लशिंग्स ला सकते हैं, जिससे कि इवेंचुअली आपका येल्ड बढ़ जाएगा।